पिछले साल हानिया का पहला बर्थडे था, उस दिन हुआ था जारून हानिया के मामू का बेटा। इस साल हानिया का दूसरा बर्थडे और इस साल आज ही के दिन मेरे मामू के यहाँ पे लड़का हुआ है। तो भाई बहुत ही खुशी की न्यूज है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी का सीन ये है कि हमें कल जाना है हानिया के और जारून के बर्थडे में, तो आज हमें जो भी छोटे मोटे काम है वो ख़त्म करना है, फिनिश करना है। फिलहाल आज हमारे ठेकेदार साहब नहीं आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर साहब जो है, क्योंकि उनको भी शादी में जाना था तो वो नहीं आ रहे, लेकिन प्लम्बर आया है तो प्लम्बर के साथ थोड़ा बहुत सामान लेके आना है, फिर आके खाना वाना खाएंगे, फिर शाम के टाइम अपना हुलिया थोड़ा सुधारेंगे, हेयर कट वगैरह करवा लेंगे, बियर्ड करवा लेंगे, और क्योंकि वहाँ फिर जाएंगे बर्थडे में तो अच्छा दिखना चाहिए। अपनी बेटी का बर्थडे है और जारून का भी बर्थडे है, जो कि मेरा क्या लगा, मैं उसका फूफा जी लगा। तो आ चुके हैं हम सामान लेने, चलो लेते हैं। सो दिस इज़ पाटनीपुरा मेन रोड और अभी हम आए हैं शर्मा जी हार्डवेयर शॉप पर। यहाँ पर जो है काफ़ी किफ़ायती दामों पर चीज़ें मिल जाती है, तो इसलिए हम यहीं पर आते हैं। कुछ सामान रिटर्न करने का भी था तो हम वो भी लेकर आ गए, ये झोले में है, बाकी ये सामने भी कुछ रखा हुआ है, ये रिटर्न करेंगे तो अपन को इसके पैसे मिल जाएंगे। तो अभी हमने इतने पाइप ले लिए भाई, इसको बाइक पे ले जाना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होने वाला है मेरे लिए, तो थोड़ा मुश्किल होगा बट ले जाएंगे। तो फिलहाल घर आ गया हूँ और अब खाएंगे खाना, गोभी बना है मस्त, मेरा फेवरेट। तो खाना शाना हो चुका है, अब हमारा पाइपलाइन जो है वो डल रहा है, यहाँ से ऊपर से देख सकते हो, ये वही पाइप है जो अभी हम लाए थे। ये देखो, नीचे से भी दिखा देता हूँ, ये कनेक्शन हमने यहाँ से, जो हमारे गवर्नमेंट के नल आते हैं वो यहाँ से गया है और ये यहाँ से अंदर आया है और ये सीधे अपने वाटर टैंक में जाएगा और फिर इसके अंदर पानी अपना स्टोर हो जाएगा। अभी जो है हमें यह वाटर टैंक जो है अपना स्टोरेज जो है, इसके अंदर जो पानी भरा था जो हमने तरी करने में इसमें डाला था, वो पानी साफ़ करना है क्योंकि इसके अंदर कलर भी करवाना है। कलर मतलब वो जो डैम प्रूफ होता है वाटर प्रूफिंग के लिए, वो करवाना है और नीचे टाइल्स भी लगेगी तो पानी इसका साफ करना पड़ेगा। भाई हमारे प्लम्बर भाई साहब को देखो कैसे खतरों के खिलाड़ी बने हुए, संभाल के भैया थोड़ा संभाल के भाई, मेरे को तो देख के इनको डर लग रहा है, ये कर कैसे रहे भाई। और हाइट देख लो, हाइट कितनी नीचे है भाई, कैसे कर रहे हैं, डर भी नहीं लगता इनको। तो फिजान अभी नीचे उतर रहा है, लकड़ी ने पानी में कलर छोड़ दिया। तो अभी इतना कुछ क्लीन हो चुका है, काफ़ी पानी था इसमें, करीब 10 बाल्टी तो हमने फेंक दी है, अब बस ये नीचे नीचे का बचा है, बस इसको क्लीन करना है। मैं अंदर इसलिए नहीं गया क्योंकि मुझे होता है सफोकेशन, तो फैजान ने बोला आप तो रहने ही दो, तो फिर फैजान नीचे उतर गया। सो गाइज अभी हम जा रहे हैं हेयर कट और बियर्ड करवाने, थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई थी तो मौसम कमाल का हो गया, आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा पानी भी भर गया है, लेकिन मस्त मौसम हो गया है। प्लम्बर भी जा चुका है तो हमने सोचा आप फटाफट चल के हेयर कट करवा लेते हैं और फिर अपन को कल जाना भी है तो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन भी करना है और प्लानिंग शानिंग करना है कल का क्या सीन रहने वाला है। कल काम करने वाले कल भी आएंगे तो उनको हम सोच रहे आधे दिन का काम करवाएंगे और फिर उनको रवानगी देंगे और फिर हम निकलेंगे, बस उम्मीद यही करेंगे कि कल बारिश ना हो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, बढ़िया। मोबाइल से पैसे बहुत देना पड़ेगा। सैमसंग का सिम स्लो बना रहे। तो भाई हेयर कट करवा के ऐसी कुछ शक्ल दिख रही है मेरी, देख लो, अब थोड़ा फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है, मतलब दिख रहा है। बाय द वे फैजान ने भी हेयर कट कराया, फैजान इधर आ, जरा तेरी भी शक्ल दिखा दे। फैजान में इतना चेंजेस मेरे को नहीं दिख रहा है, मेरे बाल ज़्यादा बढ़ गए थे और मैंने फिर छोटे करवा लिए तो मेरे फेस पे ज़्यादा चेंज लग रहा है,
फैजान के फेस पे इतना चेंज नहीं लग रहा है। मेरे फेस पे चेंज इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि मेरी दाढ़ी वैसी की वैसी। हाँ हो सकता है आपकी। हाँ मैंने बियर्ड भी लाइट करवा ली है ना। अब सीधे अपन ईद के दो चार दिन पहले ही हेयर कट करवाएंगे। हाँ। इसलिए मैंने छोटे करवा लिए क्योंकि रमज़ान में जाने का दिल नहीं होता भाई रोजे में, वो टाइम बहुत लग जाता है वहाँ पर। The next day. पिछले साल हानिया का पहला बर्थडे था, उस दिन हुआ था जारून हानिया के मामू का बेटा। इस साल हानिया का दूसरा बर्थडे और इस साल आज ही के दिन मेरे मामू के यहाँ पे लड़का हुआ है। तो भाई बहुत ही खुशी की न्यूज है। उमर और यहाँ पर उमर साहब भी आए हुए हैं, जो मुन्ना हुआ है ये उसके बड़े भाई है। तो ये हमारे साथ अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल में देखने उनको। उमर हमारे यहाँ रात से यहीं पर रुका है क्योंकि रात में एडमिट कर दिया था इसकी अम्मी को। तो अभी हम जा रहे हैं देखने। भाई हानिया सबको लेके आ रही है, बड़ी बाजी बन रही छोटा। हानिया सब भाइयों की बड़ी बाजी बनती जा रही। वैसे ये तो चाचू होगा हानिया का। ये तो चाचू है हानिया के। चाचू जी आए हानिया के। उमर साहब तरक्की हो गई, बड़े भाई बन गए आप। बड़े भाई छोटा भी आया है। जाते जाते मिठाई लेके चलेंगे तो सही रहेगा, तो मिठाई लेने आ गए। भाई सुबह सुबह के वक्त समझ ही नहीं आ रहा कौन सी मिठाई लूँ, यहाँ पर इतनी वेराइटीज़ है। मैं ज़्यादा मीठा खाते नहीं तो मुझे आइडिया नहीं है, जो खाता हूँ वो ढूंढ रहा हूँ पर वो मिल नहीं रही है। मिठाई तो कुछ समझ ही नहीं आ रही कोई से भी ढंग से। अभी सुबह सुबह का टाइम है ना, वो अपन जो लेते हैं वो तो है ही नहीं, कलाकंद वगैरह हो पता नहीं कौन कौन सी है। गुपचुप वगैरह भी नहीं, गुपचुप ही लिया था। देखता हूँ मैं इधर उधर तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही। तो अभी एक मिठाई मैंने टेस्ट करी जो मुझे पसंद आई तो मैंने वही ले ली। मिठाई का नाम है मिल्क बर्फी। मिल्क बर्फी मिल्क केक टाइप की है, मिल्क केक टाइप की। मोहम्मद अली को देखने के बाद हम घर जाएंगे और फिर निकलेंगे उज्जैन के लिए रेडी होकर। इस साल हानिया जारून के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करेगी और नेक्स्ट ईयर मोहम्मद अली के साथ करेगी। तो पहुंच गए हैं हॉस्पिटल, पोपट हो गया लिफ्ट, पार्किंग में लिफ्ट नहीं थी तो हमने को नीचे से ऊपर तक ऐसे पैदल जाना पड़ रहा है। फर्स्ट फ्लोर पे ही है वैसे कोई दिक्कत नहीं, अपना घर भी फ्लोर पे है तो अपने घर पर भी चढ़ना पड़ता है तो आदत नहीं फर्स्ट फ्लोर तक की। तो तो मोहम्मद अली को हमने देख लिया है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। फिलहाल मैं यहाँ विंडो के पास आ गया हूँ, यहाँ से दिखाता हूँ। ये मेरा स्कूल है सामने, इस रोड के जस्ट सामने, और मेरे स्कूल के जस्ट पीछे ये क्रिकेट स्टेडियम है इंदौर का, जहाँ पर अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का टेस्ट मैच भी हुआ था। तो मेरे स्कूल से काफ़ी पास था ये स्टेडियम, तो हम अक्सर देखते थे स्कूल के ग्राउंड में से इसको, मज़ा आता था यार भाई उस टाइम। चलो भाई हानिया के नेक्स्ट बर्थडे की प्लानिंग भी अभी से हो गई। वैसे अगले साल तो उसका बर्थडे रमज़ान में आएगा तो फिर रोज़ा इफ्तार भी करेंगे, तो मज़ा आएगा। अगले साल का वेट है मुझे तो। और आज भी हमें 3 बजे तक निकलना है यहाँ से उज्जैन के लिए क्योंकि आज भी बर्थडे है। तो अब हम जा रहे हैं घर। A little longer than a few minutes later. तो मैं तो रेडी हो चुका हूँ, देखो ये नया शर्ट और पैंट। फैजान भी अब रेडी होगा, फैजान नहाएगा। लो वो मलबा डाल देना तो उसको 250 रुपये देते हैं। और मंगाए जब बार में देते गए हैं, बोले इसको 250 दे देना, काम हो जाएगा। क्यों मलबा डाल के जाएगा वो तो उसका ख़त्म हो जाएगा काम। चल भाई हमारे जाने में एक और अड़चन आ गई, बिन मौसम की बरसात हो रही है भाई, समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा। देखो कितनी धूप है और धूप में बारिश, ये देखो बिन मौसम बरसात धूप में हो गई। हाँ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें। वो तो रुक जाएगा जब जाएंगे, वो तो बंद हो जाएंगे, और वो गाड़ी लिया जैसी बंद हो वैसी। हाँ सो गाइस बारिश बंद हो चुकी है, अब हम निकलेंगे। तो इस व्लॉग का मैं इधर ही एंड करता हूँ, नेक्स्ट व्लॉग सीधा उज्जैन से स्टार्ट होगा, तो देखना ना भूलना। नेक्स्ट व्लॉग में हानिया का बर्थडे सेलिब्रेशन आपको देखने को मिलेगा, तो मिस मत करना उसको। और इस वीडियो को अब मैं इधर ही एंड करता हूँ, मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। भाई जल्दी जल्दी निकलते हैं, बारिश बारिश हो गई फिर परेशान हो जाएंगे जाने में।
तो चलते हैं। अभी जो है हमें अपने मशीनें चल जाती है, बार बार कुछ कुछ बोलो और मशीन चालू रहती है।